नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए हिंदू धर्म को धोखा बता दिया है। बता दें कि सपा नेता को अखिलेश यादव ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन 48 घंटे के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला है। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मंदिर की जगह मस्जिद वापसी की बात कही है। अब सवाल ये है कि पार्टी इन बयानों पर क्या कदम उठाती है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। बार बार एक धर्म को निशाना बनाते बनाते स्वामी प्रसाद मौर्य कब अखिलेश को भी निशाने पर लेने लगे, ये बात उन्हें पता भी नहीं चली। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान इस बात को चीख चीख कर कह रहा है। दिन था रविवार का, मौका था समाजवादी पार्टी की एक ब्राह्मण महासभा का, जिसमें जब अखिलेश यादव पहुंचे तो लोगों ने उनसे स्वामी के हिंदू धर्म पर विवादित बयानों का जिक्र किया, जिस पर अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि स्वामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयानों से किसी भी धर्म या जाति को ठेस ना पहुंचे। लेकिन दो दिन भी नहीं बीत पाए और स्वामी ने अखिलेश यादव की बातों को दरकिनार करते हुए फिर से जुबान से जहर गिराया। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद इस बात को मानते हैं कि सुर्खियों में रहना है तो जुबान से जहर ही गिराना होगा। अगर राजनीति में एक पक्ष का वोट पाना है तो दूसरे को चोट पहुंचानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से एक बार फिर से विवाद गहराया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया और दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बताया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में छाए रहने का भी सियासत में चलन है। वहीं हिंदू धर्म में पिछड़ों के साथ कथित नाइंसाफी के मुद्दे पर खुद सपा का एक खेमा सहमत है। इन बयानों के जरिए दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। यूपी के कुल 20 करोड़ की आबादी में ओबीसी दलित और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 83% है। इस जातीय समीकरण के बड़े हिस्से की सहानुभूति बटोरने के लिए ही स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को निशाने पर लेते हैं। स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के बाद कन्नौज में जब सांसद डिंपल यादव से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी किसी की भी जाति पर टिप्पणी करने को सही नहीं कहा। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। इतना ही नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उन्हें अधर्मी बताया है। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते हैं, स्वामी उसी श्रेणी से हैं। रावण और कंस जैसी अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद राजनीति गर्म है। विपक्षी पार्टियां
लगातार उन्हें निशाने पर लेती हैं। हिंदू धर्म धोखा है कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से प्रभु ने रावण कंस और दुर्योधन की मति विनाश के पहले हर ली थी, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई। दूसरा उदाहरण है भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गाली सुन ली तो 100वीं गाली पर उसका क्या हश्र हुआ, ये भी इतिहास पूरा सामने है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म हमारे धार्मिक ग्रंथों पे हमारे इष्टों का अपमान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं। इन बयानों से साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को या तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूरी में ढो रही है, या माना ये भी जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी विवादित वक्तव्य के जरिए सपा खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। वजह जो भी हो, राजनीति में सुशासन और शुचिता की बातें अब शायद सिर्फ एक ढकोसला बन गई हैं, क्योंकि इसकी बातें तो सब करते हैं लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों को ना मानते हैं ना ही समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसके बाद इसी मुद्दे पर यूपी से सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। मस्जिद जो कि वहाँ बन एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया, और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ, और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए, तो ये उस पर सोने पे सुहागा, और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ। तो मौर्य के विवादित फैक्टर के जरिए सपा को चर्चा में बनाए रखना, स्वामी के बेतु के बोल के पीछे की वजह, हिंदू धर्म में पिछड़ों के साथ कथित नाइंसाफी पर सपा का एक खेमा सहमत, बयानों से दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की रणनीति का हिस्सा, यूपी की कुल 20 करोड़ की आबादी में ओबीसी दलित और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 83%। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुलदीप मलिक जी, कांग्रेस से प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रमन सिंह आजाद जी, आम आदमी पार्टी से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कुलदीप जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी आपके साथ है और समाजवादी पार्टी में लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आते रहते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस पर नसीहत देने के बावजूद भी ठीक 48 घंटे बाद एक बार फिर से बयान आ जाता है, और एक ही नहीं, एक तरफ शफीकुर रहमान बर्क हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्या आपको लगता है कि एक तरफ जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ऐसे में बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान आते हैं और इस पर कोई खंडन पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता है, ये सही है? बड़ा दुर्भाग्य है अगर इस तरीके के बयान स्वामी प्रकाश मौर्य जी लगातार दे रहे हो। जैसा आपने बताया कि ये उनका पहला बयान नहीं, भाई अगर आप थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा पीछे जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो है बयान दिया था, इसके बाद अयोध्या के अंदर जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी जो है उन्होंने एक बयान विवादित बयान दिया था। अभी आप दीपावली की बात करो, उन्होंने जो है माता लक्ष्मी को लेकर जो है विवादित बयान दिया था जी। इसके बाद अभी ये बयान हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने बयान दिया, अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन मैडम मैं यहाँ पे एक बात कह रहा, अभी जो रिपोर्ट आप दिखा रहे थे उस रिपोर्ट में ये कहा कि भाई मौर्य जी अच्छे से जानते हैं कि सुर्खियों में रहना है तो जहर उगलना पड़ेगा मुंह से, ये आपकी रिपोर्ट में कहा गया। तो भाई मैं तो आप लोगों से भी ये निवेदन कर रहा
कि आप ऐसे लोगों को सुर्खियों में क्यों लाते हो, आप इनके बयानों को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिखाने के लिए और मीडिया के ऊपर जो है चर्चा करने के लिए क्या केवल यही मुद्दे है कि भाई कुलदीप मलिक जी आपका कहना जायज है, लेकिन यदि आज के समय में मीडिया इन मुद्दों को ना भी दिखाए तो भी आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि उन्हें सुर्खियों में रहना हो तो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। जिन्हें एक वर्ग की भावनाओं को आहति करना है उनके पास तमाम साधन है इस बात के लेकर। नहीं तो एक बात बताओ, मैं तो ये कह रहा कि भाई धीरे धीरे सोशल मीडिया भी मीडिया का पार्ट है, धीरे धीरे सभी मीडिया को सजग होना पड़ेगा। और हमें अल्टीमेटली देखिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्या की और आप हिस्ट्री को जानो, आप ये देखो कि उनकी लड़की बदायूं से सांसद है, उनका जो नाम है वो संगमित्रा मौर्या है, ये स्वामी प्रसाद मौर्या की जो है लड़की है बदायूं से सांसद। अब आप यहाँ पे देखो कि ये तो फिलहाल है समाजवादी पार्टी के अंदर, इनकी बेटी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्यों भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इनका जो है मुंह बंद कर सके। लेकिन हो क्या रहा, इस देश में सब एक दूसरे को लड़वाना चाह रहे, एक दूसरे आपके सहयोगी है, यदि यहाँ से भी खंडन की शुरुआत हो, सवालों की शुरुआत हो, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कुछ हो सकता है? क्योंकि सपा सुप्रीमो का सिर्फ एक ही कहना है कि व्यक्तिगत बयान है, और ये क्या कि हर बार वो पल्ला झाड़ लेते हैं, और ये एक दो नहीं कम से कम दसियों बार ऐसा हो चुका है कि बार बार सपा सुप्रीमो इस तरह की बात कहते हैं कि उनके व्यक्तिगत बयान है। डिंपल यादव ने भी आज कहा है कि व्यक्तिगत बयान है, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। तो क्या कोई किसी प्रकार की मजबूरी है समाजवादी पार्टी की उनको अपने साथ बनाए रखना? मेरी बात सुनिएगा, मैं जो अभी बताना चाह रहा और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को समझाना चाह रहा, कृपा करके मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा। मैं ये कह रहा कि भाई देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है केंद्र में सरकार चल रही, इसके बाद में जो है यूपी के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ जी के जो है अंडर में जो है डबल इंजन की सरकार चल रही, और योगी जी को तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा इस देश में माना जा, और उन्हीं के राज्य में हिंदुत्व को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे। क्यों भाई, ऐसा कैसा हो रहा, ये भी मैं इसका आंसर दे रहा। कैप्टन सिंह भदौरिया जी, नहीं मेरे से ही सुन लो, कैप्टन साहब से बाद में आंसर देना। ऐसा इस वजह से हो रहा क्योंकि लोगों को केवल और केवल हिंदू मुस्लिम में ये उलझा कर रखना चाह रहे, दूसरे मुद्दे राजनीति में आ ही ना सके। एक बात बताओ, क्या ऐसे लोगों के ऊपर योगी जी का बुलडोजर नहीं चल सकता? भाई जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं और हमारी पार्टी, ठीक है मैं आपके सवाल पे जवाब लेती हूँ, क्योंकि बुलडोजर जो चलेगा तो भी आप ही सवाल उठाएंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं है, और ना ही हमने कहा है कि ये, हम शुरू से कह रहे हैं कि प्रभु राम इनको सद्बुद्धि दे, मौर्या का दिमागी संतुलन वास्तव में बिगड़ चुका है, और प्रभु राम से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि इनका मानसिक संतुलन दोबारा फिर बना रहे। और सपा मुखिया अखिलेश को ये जरूर कहना चाहूंगा, उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ही एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है आगरा के अंदर, अगर वहां मौर्या को एडमिट कराया जाए तो हो सकता है कि उनकी बुद्धि जो आजकल जो खराब हो रही है शायद दोबारा। नहीं, कुलदीप जी तो कह रहे हैं कि इतने बयान सुनने के बाद आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? बिल्कुल, हम तो कल ही कार्रवाई कर देंगे। फिर कुलदीप जी के कहना, पार्टी ही जो कहेगी कि देखो राजनीति में आप तो कहने की भी आजादी नहीं है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जवान भी बंद करी जा रही है। तो अगर कुलदीप जी आज इस बात को कह दें कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, देखो हम कल कार्रवाई कर देंगे, बिल्कुल कह देंगे, कल नहीं कार्रवाई ना कर दे, ये कहेंगे हम बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं, और ये जो है ना स्टेट मैटर में इसका सहमत नहीं हूँ, और अगर इन पर कार्रवाई होती तो मैं उसके समर्थन में खड़ा रहूंगा। कुलदीप, मैं कुलदीप जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर इनकी पार्टी है आज का है, मैं जवाब दूं कुलदीप जी जवाब दीजिएगा इस बात का। बिल्कुल मैडम, मैं तो एक एक वर्डिंग का जवाब दूंगा। भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक तथ्यों के आधार पर बात करता है, मैं ये बताऊं जरा देश की जनता को, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो 2000
भाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के जब ये साथ थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है दूध के धुले थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे, और इन्होंने जो है इनकी बेटी को भी जो है सांसद बनवाया, स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को भी जो है इन्होंने टिकट दिया। मैं आदरणीय भदौरिया जी से ये कह रहा हूँ, कुलदीप जी उससे पहले इस तरह के बयान भी तो नहीं आए थे ना? नहीं तो एक, अरे आप यही तो जो है देश की जनता को समझना चाहिए, ये तो बयानबाजी जनता उलझी रहे, असली मुद्दों पे बात ना हो। मैं कल भी मैडम आपके साथ में डिबेट में था, और कल भी डिबेट जो है हिंदू मुस्लिम पे हो रही है, आपका प्राइम टाइम है, और आज भी डिबेट हिंदू मुस्लिम पे ही चली गई, और कल भी मैंने ये बात कही थी कि भाई मैं एक शिक्षक हूँ, इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतने बुरे दौर से गुजर रही, और शिक्षा से ही इस देश का निर्माण हो रहा, धर्म भी सर्वोपरि है, लेकिन आज नहीं। कुलदीप मलिक जी, आज की डिबेट हिंदू मुस्लिम पर बिल्कुल नहीं है, आज की डिबेट सिर्फ हिंदू पर ही है। हिंदू कब तक सहेगा आप ये बताइए, इतने बयान बार 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 आते हैं, बहुत सहिष्णु कहा जाता है, और अभी तक सहिष्णुता हम सब दिखाते रहे हैं, लेकिन आप इसकी कोई सीमा है ना? हाँ मैं बता रहा ना, एक बात बताओ, इसका समाधान ना तो आपके पास में है, ना इसका समाधान डॉक्टर कुलदीप मलिक के पास में है, इसका समाधान है तो वो केवल और केवल इस देश की सरकार के पास में है। मैं तो कह रहा आज के समय में देश में भी और प्रदेश में भी हिंदुवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि आपका कहना है कि कोई कुछ कह रहा है तो उसे कहने दिया जाए, और उसके बाद चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, तब तक वो जो भी कहना चाहता है उस पर कोई टीका टिप्पणी ना की जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपने गलत इंटरप्रेट करा, मैं तो ये कह रहा कि धर्म के बारे में अगर कोई भी टिप्पणी करे उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो इसकी आने वाली जो है सात पुश्तें जो है याद रखे, और वो किसी भी धर्म में हो भाई, वो हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करे उसे तब भी सजा मिले। ठीक है, रमन सिंह जी के बारे में, ठीक है कुलदीप जी आपके पास आते हो, रमन सिंह जी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं काफी देर से जी, ठीक है आती हूँ मैं आपके पास। रमन सिंह जी क्या कहना है इन तमाम बयानों को लेकर आपका, सबसे पहले तो रमन सिंह जी फोन को अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी जी मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी, आपके पास मैं वापस लौट कर आती हूँ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कुलदीप जी का कहना है कि इस तरह की सजा होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके, इस पर क्या कहना है आपका? लेकिन फिर यही कहा जाएगा कि कट्टरपंथी हैं। कुलदीप जी शिक्षक है, कुलदीप जी सुने, आप शिक्षक हो, शिक्षक तो बड़े ही संवेदनशील होते हैं, बड़े विचारणीय होते हैं, क्योंकि शिक्षक ही तो एक देश को रास्ता दिखाता है। तो कुलदीप जी ने कहा है उसमें काफी बातें हैं कुलदीप जी की जिनसे मैं सहमत हूँ। अब जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू जो और इसका विरोध जो है ना, बीजेपी भी चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम की चर्चा चलती रहे, हिंदुओं को जो है ना ये आगे वो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कुलदीप जी कि हम तो शुरू से कहते हैं कि हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हमारा नारा भी यही है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो जब हम विकास कार्य करते हैं तो ना हिंदू को देखते हैं ना मुस्लिम को देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उज्ज्वला के गैस चूल्हे बांटे तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, जब हमने किसान निधि बांटी है देश को तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, अकेले उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ लोगों को सत्य हमने दी है तो हमने उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। और सत्यता तो यह है कि उसमें 65% से अधिक उसका लाभान्वित होने वाले मुस्लिम समाज के हैं, हम नहीं करते हिंदू मुसलमान, मगर आपकी पार्टी से जरूर होता है। कुलदीप जी आप खड़गे जी के पुत्र स्टैंड मंत्री भी हैं, क्या उन्होंने जब कहा था कि हिंदू धर्म तो जो है ना इसको खत्म कर देना चाहिए, ये तो एक गंदा है, इस तरह के शब्द किए गए थे, मगर ना उस पर राहुल गांधी बोले ना सोनिया जी बोली और ना ही आपकी पार्टी के अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट आया। तो आप थोड़ा इसको भी याद कर लिया करें कि हिंदुत्व को गालियां बार बार कौन देता है, और यही राम मंदिर को लटकाने और भटकाने के लिए आपके सबसे बड़े उस टाइम के नेता और वकील कपिल सिब्बल आपकी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे कि फैसले को रोक दिया जाए, जल्दी फैसला। तो कुलदीप जी कहना बहुत आसान होता है, अगर अपनी पार्टी के अंदर आप देखिए, मैं आपकी नीति पे कतई शक नहीं कर रहा हूँ, आपकी नीयत आपकी मंशा बहुत साफ है, मगर पार्टी की आपकी नहीं है, आपकी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही
पैदा हुई थी उसी पर चलते चलते आज वो इसकी हालत ये बन चुकी है। हिंदू मुस्लिम आप देखिए, हम जब से आए हमने सबको सब काम का किया था कि सबका साथ सबका विकास। आपकी पार्टी ने हिंदुओं के लिए हज हाउस, मुसलमानों के लिए हज हाउस बनाया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, जम्मू कश्मीर को हिंदुओं से अलग किया, ऐसी हजारों गिनतियां हम गिना देंगे कुलदीप जी। तो ये हम आपके फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी मंशा पे बिल्कुल फर्क नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी पार्टी की मंशा सिर्फ टोटल ही मुस्लिम हिंदू करने वाली है कुलदीप जी, उससे वही है। जवाब दीजिएगा इस पर। मैडम भाई मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो हंसी आ रही है। और मैं देखो अभी आपने मुझे कहा था कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम पे जाने की, लेकिन आदरणीय भदौरिया जी ने फिर इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम पे ले गए। रही आदरणीय भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कम से कम आप मेरे व्यक्तिगत विचारों से सहमत है, भले ही मेरी पार्टी से सहमत है या नहीं है, लेकिन भदौरिया जी मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है, मैडम दो मिनट का समय दूंगा, मैं तो एक सामाजिक प्राणी था इस देश के अंदर, और आप मेरे बारे में थोड़ा सा जानिएगा, मैं ऐसे ऐसे मुद्दों पर काम कर रहा, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। और भदौरिया जी 2024 में जब आदरणीय मोदी जी ने चुनाव लड़ा तो मैं भी आपसे गुणगान किया करता था, और जब जो जो वादे आपने किए थे ना, चूंकि आपने ये कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, इस वजह से मैं जवाब दे रहा, 2014 में जो वादे आपने किया था तो डॉक्टर कुलदीप मलिक को ऐसा लग रहा था कि भाई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये सरकार जब बनेगी तो केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, इस देश की व्यवस्था का परिवर्तन होगा, क्योंकि आपने इस तरीके के वादे किए थे, आपने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस ले आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, सब शिक्षा व्यवस्था लगा देंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे, रुपए को डॉलर के मुकाबले जो है मजबूत कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। तो कहीं ना कहीं भदौरिया जी मैं भी आपके झांसे में फंस गया था, और आप तो भारतीय जनता पार्टी के जो है टैग वाले कार्यकर्ता होंगे, मैं तो बगैर टैग का कार्यकर्ता मोदी जी की जो है गुणगान करता था, लेकिन भदौरिया जी कुछ तो बात रही होगी कि आज आपकी छाती के ऊपर बैठ के मैं आपके खिलाफ बोल रहा। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाह रहा, और कृपा करके हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है कि जो ये कहती है वो तो ये करती नहीं, और जो ये करती है वो ये कहती नहीं। आपने अभी बात तो आपका आपका मतलब है कि आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो कहती है वही करती है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब इस पर दीजिएगा। एक बात बताओ मैडम, अच्छा आप मेरे से पूछे ना, मैं तो ये बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि जो ये कहे वे तो ये करते नहीं, और जो ये करते हैं वो ये कहते नहीं। आप देखो मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा, मैंने अभी बता दी इतने वादे करे थे, दो वादे इन्होंने पूरे किए, एक नहीं आपको हजारों आपको एग्जाम्पल दे देंगे जो हमने कहे वो ही करे। और मोदी जी की तो इस बात की भी गारंटी है, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी की तो गारंटी, हम जो कहेंगे जो वादे करे वो ही करेंगे। भदौरिया जी इसलिए आप गारंटी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही कि आप 2 करोड़ समय तक लोगों का ख्याल रखते हैं, आप होते लोगों का होते हैं के लिए देखो विकास कार्य करते हैं, जो आपने विकास का आप कह रहे हैं कि विकास के लिए भी विकास क्यों कर रहे हमने किए हैं हिंदुस्तान की गारंटी की बात आज अभी तक लेकर अभी तक किसी का नहीं किया है। 2014 में जो गारंटी मोदी जी ने दी थी ठीक है। रमन सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रमन सिंह जी एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, आपके गठबंधन में आपके सहयोगी जो है समाजवादी पार्टी उनके साथी, आवाज आपको आ रही है मेरी रमन जी? रमन जी के पास मैं वापस आने की कोशिश करूंगी, बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कुलदीप मलिक जी का कहना था कि 2014 के बाद उम्मीदें तोड़ दी आपकी सरकार ने उनकी। हाँ कुलदीप जी को मैं बड़े विश्वास और जिम्मेवारी के साथ बताना चाहूंगा कि आज हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, शायद कुलदीप जी उस रोड का कभी कभी निकलते होंगे, जो आज हमने बेहतरीन हमारी सरकार ने रोड बनाई है, जो सफर हम 12 घंटे में करते थे आज वो 2 घंटे में सफर कर रहे हैं, कुलदीप जी इस चीज से बहुत वाकिफ है। इसी तरह से आप देखिए कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या बदलाव आया है, इसी तरह से देश के कानून में देखिए 2014 से पहले क्या स्थिति थी आज क्या बदलाव।
बदलाव आया है। 2014 से पहले सैनिकों की क्या स्थिति थी, आज सैनिक गर्व करते हैं अपने ऊपर। आज दो सैनिकों का जितना इक्विपमेंट है, जिनके उनके जो उनके साजो सज्जा सामान है, आज वो हम आज निर्माण करा रहे हैं। पहले टोटल सारा ही, क्योंकि मैं भी एक भारतीय जनता भारतीय सेना का एक अंग रह चुका हूँ, तो भारतीय सेना का उत्थान का भी समय मैंने देखा है और आज देख रहा हूँ कि आज सरकार में हूँ। तो आज उस टाइम अगर हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं होती थी, हमारे सैनिक के लाइफ जैकेट के बगैर शहीद हो जाते थे। आज लाइफ जैकेट हमारे यहाँ बन रही है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम तेजस जैसे फाइटर विमान बना रहे हैं, आज हम अर्जुन जैसे टैंक बना रहे हैं, आज हम देश में पनडुब्बियों का निर्माण करा रहे हैं और INS ब्राड जैसे पानी के जहाजों का निर्माण करा रहे हैं, और तो और आर्मी की जो है ना बड़ी से बड़ी तोपों का निर्माण आज भारत के अंदर हो रहा है, जो हमारे यहाँ टोटल पहले भारत में नहीं बनाई जाती थी, विदेशों से लाई जाती थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा खेल होता था। वो खेल आपकी कांग्रेस सरकार जी। कुलदीप मलिक जी, जवाब दीजिएगा इस पर। और कुलदीप मलिक जी, दूसरी बात आपका कहना था कि 14 के बाद जो सरकार आई, उसके बाद जो आपकी तमाम उम्मीदें थी, पहले आप समर्थन करते थे, तो 14 से 24 10 साल की उम्मीदों की तो आपने बात कर ली, लेकिन 47 से 2007 2014 तक की बात, तो क्या आपने दोनों को तराजू में तौल कर देखा है? ऐसे में यदि भारत की जनता बार बार किसी सरकार को चुन रही है, तो कुछ तो उम्मीदें पूरी हो रही होंगी ना, तभी तो चुना जा रहा है ना बार बार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया। और देखिए, सबसे पहले तो मैं भदौरिया जी को ये बता दूं, आप आर्मी से हैं, कैप्टन आपके नाम से पहले चल रहा भाई, आपने जो है देश प्रेम का जज्बा जो आप लोगों के अंदर है, तो इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन भदौरिया जी, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, भले ही मैं कांग्रेस नेता के रूप में यहाँ टीवी चैनल पर बैठा, लेकिन केवल विपक्ष का काम सरकार के पैरों को खींचना नहीं, सरकार की बुराई करना नहीं, विपक्ष का काम। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैंने अभी इसी डिबेट में कहा कि सरकार ने धारा 370 पैंती से हटाया, मैं समर्थन कर रहा। सरकार ने राम मंदिर बनाया, मैं समर्थन कर रहा आपके मुद्दे पे। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, मैं उसका भी समर्थन कर रहा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पैसा लग रहा, ये आप अपने घर से ले गई है, ये आपने जो है कर्जे पे ले लेकर सारा काम कर रखा, इसका आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी होगी, इस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। शायद आप तो सब नहीं रहेंगे, लेकिन इस कर्जे को हमारी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी सोचिएगा। रही बात प्रियंका मैडम ने कही कि भाई कांग्रेस ने, वाकई में कांग्रेस, जब भाई भारत का जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी, और इसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार 60-65 साल तक कांग्रेस की जो है सरकार रही। अभी क्या हो रहा, सारा का सारा एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा कि भाई कांग्रेस ने तो इस देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने तो इस देश को गड्ढे में ले जा दिया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं करा। प्रियंका जी, मैं आपको ये बता दूं कि जब ये देश आजाद हुआ तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी भदौरिया जी ने बात की, आप याद करो अपने बाबा दादा से पूछो, वे पैदल चलते थे, गाड़ियों में तो चलने की बात अलग थी। इस देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ। मैं खुद सरकारी विद्यालय से पढ़ा, मेरे मम्मी पिताजी सरकारी विद्यालय में टीचर थे, आपकी सारी उम्मीदें टूट गई, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से रमन सिंह जी के पास जाने की मैं कोशिश करूंगी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रमन सिंह जी, आवाज आ पा रही है या नहीं आ पा रही है? ठीक है जी, कुलदीप जी अपनी बात अब आप पूरी करिएगा। जी जी हाँ मैडम, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं कि भाई कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया इस देश के अंदर। और आज हिंदुस्तान की जो पोजीशन है, ये तो कह रहे कि भाई आदरणीय मोदी जी का जो है विश्व में डंका बज रहा। अगर पहली तो बात, ये डंका बज रहा, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये कह रहे कि भाई मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का हाथ है। और मैडम मैं आपको दो काम याद दिला, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी इस पर जवाब दीजिएगा। 60-70 सालों की बात जो कुलदीप जी ने कही है, उनका कहना है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि देश को बर्बाद किया है, तो देश को बर्बाद 60-70 सालों में जो कुछ हुआ है उसमें योगदान भी तो है। रंका जी, मैं बहुत ही एक अच्छी बात बताना चाहूंगा और कुलदीप जी को याद दिलाना चाहूंगा। या तो वैसे वो टीचर है, शिक्षक है, तो शिक्षक तो हर चीज को याद रखता है कि इनके कार्यकाल
सरकार में भ्रष्टाचार कितना हद तक था कि राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि हम विकास कार्य के लिए अगर क्षेत्र में 100 रुपए भेजते हैं तो पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाते हैं। ये इस तरह से इनके टाइम में, आज हमारे टाइम में अगर हम किसान को 6,000 किसान निधि भेजते हैं तो सीधे उसके खाते में 6,000 पहुंचती है। इसी तरह से उज्ज्वला गैस सिलेंडर का जो हम भेजते हैं सीधा उसके खाते में जाती है। आज हिंदुस्तान में हर जन जन का अगर खाता खुलाने की किसी ने जरूरत समझी तो भारतीय जनता पार्टी ने समझी, इन्होंने नहीं समझी थी। इनके टाइम में बैंकों में खाते गिने चुने लोगों को होते थे जो पैसे वाले होते थे, गरीबों के लिए तो बैंकें प्रतिबंध थी, ये तो बैंक में जा ही नहीं सकते। तो हमने गरीबों के लिए काम किया है। इनके टाइम काम होता था सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए, बाकी बंदर बांट होता था पैसे का। जैसे राजीव जी ने कहा था कि 85 पैसे खा लिए जाते हैं, हमारे यहाँ खाए नहीं जाते। अभी मैं 2014 से पहले की, ज्यादा पुरानी बात नहीं है क्योंकि शासन तो कांग्रेस ने 65 साल किया है, मैं 2014 से पहले की बात बता दूं कि इनके टाइम जम्मू कश्मीर में हमारी आर्मी जो है, हमारी सेना है, उसका कितना अपमान होता था कि वो बगल में राइफल टांगे हैं, अपनी यूनिफॉर्म लगाए हैं और वहां के लोग उनके थप्पड़ मारते थे, बंदूक खींचते थे, उनकी कैप उतार के फेंक देते और उनके पास इतना अधिकार नहीं था कि अपनी आत्मरक्षा में गोली भी चला सके, उनसे कुछ कह भी सके। अगर कह देते थे कोई तो उनको तुरंत सस्पेंड तो छोड़ो, उनको जेल में डाल दिया जाता था। ये इनके टाइम होता था। आज हमारे टाइम वो पत्थरबाज कहीं नजर नहीं आ रहे। इतने पत्थरबाजों के समर्थक थे वो आज जेल में पड़े हैं। यासीन मलिक इनके कार्यकाल में मनमोहन सरकार में उसको प्रधानमंत्री हाउस में बुलाया गया, उसका स्वागत किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, रेड कार्पेट बिछाया गया, बढ़िया बिरयानी खिलाई गई और जिसके ऊपर आतंकवाद का बहुत बड़ा थप्पा था। 3 मई उस टाइम वहीं पर श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग थी। कुलदीप जी जवाब दीजिएगा, कुलदीप जी बीजेपी के ऊपर तो तमाम सवाल उठाए जाते हैं लेकिन आप ही के सहयोगी के जब इस तरह के बयान आते हैं तो फिर आप लोग उल्टा खंडन करने के बजाय कभी बीजेपी का स्लीपर सेल बताने लगते हैं, कभी बीजेपी पर ही आरोप लगाने लगते हैं। बिल्कुल, मैं पहले भदौरिया जी की बात का जवाब दे दूं, अभी भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर देते हैं और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जब आदरणीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था और अभी इन्होंने जो है बात गिनवाई की भाई अब जो है किसानों के उसमें जो है डायरेक्ट पैसा जा रहा, जनधन योजना के तहत उन्होंने खाते खुलवाए। मैं भदौरिया जी को ये बता दूं कि ये जो सारा का सारा काम आप कर रहे हैं वो आईटी से रिलेटेड काम है और मैं भी कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोफेसर हूँ। वो इस देश में अगर आईटी को कोई लेकर आया, मैडम आप भी युवा पत्रकार है, आपको भी पता कि वो राजीव गांधी लेकर आए आईटी का स्टार्टिंग उन्होंने की थी और जब वे कंप्यूटर की बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है लेकिन ऐसे में आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जनधन खातों को खारिज कर देंगे क्या कुलदीप जी? मैडम आप बात तो पूरी होने नहीं देते। मैं कह रहा कि जब वे कंप्यूटर तकनीक की बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा लोग थे जो छाती पीट पीट के इस बात का विरोध कर रहे थे। तो मैं फिर ये कह रहा कोई भी सरकार आए, सरकार हर सरकार काम करती है, हर सरकार विकास करती है लेकिन सरकार का जो मेन काम है वो है लोगों को जोड़ कर रखना, एकजुट करके रखना। क्या भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को एकजुट करके रख पा रही? भारतीय जनता पार्टी में फिर कह रहा केवल और केवल अंग्रेजों के बनाए नहीं। कुलदीप जी आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। एकजुट पर यदि आप बात करें और केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं तो ये सही नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में आप बयान सुन पा रहे हैं, चाहे आप दयानिधि मारन का बयान सुने, बिहार उत्तर प्रदेश पर जिस तरह का बयान सामने आया है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, शफीकुर रहमान बर्क का बयान, ये आप ही के तमाम सहयोगी हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो उंगलियां आपके ऊपर भी उठती है। मैं आऊंगी आपके पास कुलदीप जी, मैं आपका जवाब भी लूंगी लेकिन रमन सिंह जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत मैं करूंगी। रमन जी काफी लंबे समय आपको इंतजार करना पड़ा, उम्मीद है अब आपको आवाज आ रही होगी। मेरा सवाल यहाँ पर यही है, आज जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर बयान सामने आया है और ये आपने सुना ही होगा, लगातार जिस तरह से सपा सुप्रीमो उनके बयान को व्यक्तिगत बता रहे हैं और बार बार इस बात को खारिज जरूर किया जाता है लेकिन 1-2 नहीं 10 बार अब ऐसा हो चुका है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में एक्शन लेने की जरूरत है जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, बयान पे बयान निकल कर सामने आ रहे हैं?
प्रियंका जी धर्म बिल्कुल निजी आस्था का विषय है और अपने धर्म के प्रति समर्पण की भावना सबको रखनी चाहिए। किसी आप भले ही किसी धर्म को नहीं मानते हो लेकिन उस पर टिप्पणी करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है जी। सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं और उनकी धार्मिक मान्यताओं का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। हुआ ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस अभी शीघ्र ही जिस फैक्ट्री से निकल कर आए हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी से जिससे निकल कर आए हैं, उस भारतीय जनता पार्टी में जो सिखाया जाता है वो सिखाया ही जाता है कि आप किसी दूसरे के धर्म को बिल्कुल आपको अपमान करना ही करना है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो रहती है रणनीति वो रहती है कि आपको किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करनी करनी है। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे तब वो किसी दूसरे धर्म पर करते थे, आज जब वो समाजवादी पार्टी में है तब भी मतलब लाइन आज भी वही है कि जब आप किसी दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करनी करनी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं ना कि हाँ पहले वो दूसरे धर्म पर करते थे और अब क्योंकि दूसरी फैक्ट्री में आ गए हैं तो उस फैक्ट्री की विचारधारा दूसरी है इसलिए हिंदू धर्म पर टिप्पणी आ रही है, ये कह रहे हैं ना आप? एक या दो बयानों को हो सकता है कि आप व्यक्तिगत बता दें लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार नहीं, लेकिन ये आप ये मान रहे हैं ना कि इस समय वो जिस फैक्ट्री में है वहां से जो दिशा मिल रही है उसी के आधार पर बयान आ रहे हैं, ये कहना है आपका? नहीं नहीं जी, एक या दो बार आप किसी के बयान को आप व्यक्तिगत बता सकते हैं लेकिन अगर कोई पार्टी का व्यक्ति लगातार अगर इस तरह के बयान दे रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको उस चीज के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन रमन सिंह जी जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं और दूसरे धर्म को पर बयान देने की जो बात कर रहे हैं, इतने बयान पहले तो नहीं सुनाई देते थे। ऐसे में यदि आप दूसरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये भी मानना होगा कि उस फैक्ट्री की सहमति से ये बयान आ रहे हैं, इशारा आपका इसी तरफ है। प्रियंका जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा में थे, जब बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी के, तब भी जो उनकी राजनीति है वो इसी लाइन की है, वो राजनीति ऐसी करते हैं। हालांकि जवाब कौन दे रहा है, हालांकि भावनाएं किसकी याद हो रही, भारतीय जनता पार्टी की, उस पार्टी की जिसके नेता सदन में खड़े होकर भगवान राम की तुलना किन चीजों से करते हैं। नहीं, मतलब तो क्या आपको लगता है कि तमाम जो हिंदू हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी में तो, है आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, भारत की पूरी जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है? जी सवाल एक बार दोहराएंगे? नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तकलीफ केवल भारतीय जनता पार्टी को हो रही है तो क्या आपको लगता है कि तमाम हिंदू जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, उससे इतर सबको हो रही है? लेकिन बस वही बात है कि सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद एक कहावत है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर विरोध करे या बोले ये वो पार्टी है जिसने जिनके मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर हनुमान नहीं तो समाजवादी पार्टी भी तो उस पर कुछ नहीं कह रही है ना, सब व्यक्तिगत बताकर पल्ला झाड़ ले रही है तो उनको तो आप कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी पर तो सभी आ जाते हैं, सवाल आप कोई भी पूछा जाए बीजेपी पर सीधे आ जाते हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो इस समय है, जिस पार्टी के छत्र छाया में बयान आ रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, क्यों? क्यों आपके सहयोगी हैं? हम साफ, मैं उस चीज को फिर से दोहरा रहा हूँ प्रियंका जी, एक या दो बार किसी का बयान व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन अगर इससे ज्यादा बार और एक लगातार एक सीरीज में अगर उसी तरह के बयान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को, समाजवादी पार्टी को इस पर बात करनी चाहिए थी। आप सिर्फ ये कह रहे आपको विरोध करना चाहिए कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, स्वामी प्रसाद के स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ, आपको विरोध करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल नहीं है किसी धर्म का विरोध करे। आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, जिस तरह से आपने काम किया ये आपकी मानसिकता हो सकती है, हमारी ओछी मानसिकता नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, आपने कहा भारतीय जनता जिस फैक्ट्री में है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म का विरोध किया है? आप अपनी मानसिकता को सुधारे, पत्रकार बन के बैठे हैं,
तो पत्रकार का नहीं, रमन सिंह जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, रमन सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी, इंदुकांत दीक्षित जी के पास मैं अब जाऊंगी, आपके पास मैं आती हूँ रमन सिंह जी, आपका जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन इंदुकांत जी को पहले चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। इंदुकांत जी, जिस तरह से आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शफीकुर रहमान बर्क का भी ये बयान सामने आया और उन्होंने साफ कहा है कि हमारी तो मस्जिद ले ली गई, हमें वो वापस कर दी जाए और ये गैर कानूनी है। प्रियंका जी नमस्कार जी। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट है उनको भी नमस्कार। मैं चर्चा में देर से शामिल हुआ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी बिल्कुल। मैं चर्चा में भी तुरंत, चूंकि मैं रमन जी को सुन रहा था, मैं इस बात से ना इत्तेफाकी रखता हूँ उनके बयान से कि भाजपा में इस तरह के नेता होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि द्रमुक के जो नेता सनातन के बारे में बयान देते आए हैं पहले भी और अभी भी दे रहे हैं, उनका भाजपा से क्या लिंक है? उन्होंने इस ढंग की बातें क्यों की, कैसे की? क्या उन्होंने भाजपा में ट्रेनिंग ली? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करते हुए रमन जी ये भूल जाते हैं शायद कि स्वामी प्रसाद जी भी उत्पत्ति उनकी कहां बचपन से हुई, और इस तरह के नेताओं के बारे में किसी पार्टी के उनका ओरिजिन जोड़ना हमें लगता है बेमानी है। ऐसे नेता तो आप देखें किस तरह से चंद्रशेखर जी का बयान आता है बिहार में, किस तरह से स्वामी प्रसाद जी का आता है, किस तरह से स्टालिन के बेटे का आया। इनको हमारी दृष्टि ये है कि किसी पार्टी से न जोड़ करके ये देखना चाहिए कि जो लोग कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पे जाते हैं वो इस तरह के बयानों का सहारा लेकर के पॉलिटिक्स में अपने को चमकाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि हिंदू धर्म उदारवादी रहा है, वहां पे गला काटने की प्रतियोगिता नहीं है बाकी धर्मों की तरह कि किसी ने अगर धर्म के विपरीत और बिल्कुल ही गलत बयानी कर दिया तो उसकी गला काट दो, रेत दो, तो लोगों को भय भी नहीं लगता है। आज के युग में लोगों को कानून का भय तो बहुत कम हमारे देश में है। लोग कहते हैं कानून में तो सजा होते होते 20 साल 25 साल लगेगी, तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेक लो, चमका लो। तो आज कोई भी कुछ भी बोल देता है। इसको पार्टी से जोड़ कर देख करके उन नेताओं की व्यक्तिगत आकांक्षाओं, आशाओं, निराशाओं से जोड़ना चाहिए। और हम, मैं तो मानता हूं कि इस तरह की बातें करने वाले सारे नेता, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं जी। लेकिन इंदुकांत जी, कहीं से भी राजनीतिक बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और जो लोग ये टालते हैं, प्रियंका जी मैं आपको बताऊं, आप देखिए सनातन के बारे में कांग्रेस की जो चुप्पी थी उसका दुष्परिणाम, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब पॉलिटिकली इसको एनालाइज करेगी उनकी टीम तो आने वाले समय में, जैसे एके एंटनी कमेटी ने कहा था कि एक समय में 2014 के चुनाव के जो परिणाम आए उस दौरान जनता में, एके एंटनी इनके जो शीर्ष नेता है उनका मंतव्य था कि लोगों ने मान लिया था कि ये मुसलमानों की रक्षा करने वाली, मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस। इसी तरह से सनातन पर जो इनके साथी हैं उनके बयान जिस तरह से दिग्भ्रमित करने वाले, सनातन की निंदा करने वाली, उनको गर्हित बताने वाले, उनका नाश करने की बात करने वाले नेताओं के बयान आए, कांग्रेस और बाकी जो अलायंस पार्टनर्स थे इंडिया गठबंधन की वो चुप रहे, उसका परिणाम जनता ने तीन राज्यों की हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव परिणाम में दिखा दिया। वो भी एक बड़ा कारक है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, कोई कितने भी हाथ पांव मार ले उसकी क्रेडिट जो वर्तमान सरकार है उससे कोई वापस नहीं ले सकता है। और ये बयान एक तरफ, और एक तरफ अयोध्या मंदिर का या तमाम बड़े मंदिरों के कॉरिडोर का, विंध्यवासिनी मंदिर में भी होने वाला है अभी उसका उद्घाटन, आप देखें कश्मीर तक ट्रेन की बात होने जा रही है, ये डेवलपमेंटल काम, इन चीजों को जब दो राज्यों में जनता रखेगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में 2024 के चुनाव के बाद जब इन चीजों की एनालिसिस की जाएगी तो जो लोग इन चीजों पर मौन है, वही लोग जो मोहम्मद फिसा हुसैन जब सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाते थे तो उनको कहते थे कि उनके ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और शाहबानो केस में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा था ये मौलवियों के अधिकार की स्वतंत्रता है, तो जनता ने उनको कितना किनारे कर दिया। आज इस तरह से हिंदू धर्म के विपरीत बात करने वालों के साथ जो भी खड़ा होगा, वो जिस भी पार्टी का होगा, उसको जनता किनारे कर देगी
तब उसको समझ में आएगा कि उसने क्या खोया और क्या नहीं। हाँ ठीक है, ये ठीक कहना आपका, तमाम गठबंधन की तो बात है, चुप्पी तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी यदि हम सपा सुप्रीमो की बात की जाए तो एक दो बार उन्होंने इस बात को लेकर कहा तो है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन एक दो बार नहीं, अब तो कम से कम 10वीं 11वीं बयान इस तरह का बयान सामने आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको सामने आके कुछ बोलना चाहिए था, वरना यूपी में जिस तरह से पीडीए और ब्राह्मण महापंचायत कर रहे हैं उसका लाभ आने वाले समय में फिर देखने को नहीं मिलेगा? देखिए प्रियंका जी, अखिलेश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला हूं और कई बार इस मुद्दों पर चर्चा हुई है, और मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे भी कहा था कि देखिए आप या तो ये कह दीजिए कि हम हिंदू विरोधी पार्टी है, जैसे कई लोग कहते हैं, उनके पिताजी कहते थे हमको मौलाना कहलाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको हिंदू धर्म से विरोध नहीं है तो जो नेता ऐसी बात करते हैं जो आपकी पार्टी की विचारधारा के विपरीत है पूरी तरह से, आपको उससे अपना संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कह करके एक तरफ आप उनको महामंत्री बना दें, एक तरफ उनको पार्टी का वरिष्ठ पद दे दें और उसके बाद कह दें कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ऐसा नहीं होता है। आज देश का प्रधानमंत्री देश की कूटनीति के बारे में कोई बयान दे के कहे मेरा व्यक्तिगत बयान है, ऐसे थोड़े होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में हो, देश में हो, सत्ता में हो, उसके पद की मर्यादा उसको रखनी पड़ेगी। और अगर जैसे कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में जाके क्या कहा था, उसका पूरा लाभ भाजपा ने उठाया कि ये व्यक्ति जब तक है तब तक संबंध सुधर नहीं सकता, आप लोग हमारी मदद करिए इसको बाहर करने में। फिर उसने नीच बताया। आप इतने पढ़े लिखे मणिशंकर अय्यर के इन बयानों को सिर्फ व्यक्तिगत बयान करने से कांग्रेस को भारी पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। रमन सिंह जी अपनी बात आप रखिएगा। दूसरी बात, जिस तरह से इंदुकांत जी ने कहा है कि चुप्पी यदि आप रखते हैं तो उसका भी खामियाजा फिर कहीं ना कहीं जनता देती है। प्रियंका जी मैंने जब बात रखनी शुरू करी तो सबसे पहले ही मैंने ये कहा था, पहला जो शब्द था अब भी वही दोहरा रहा हूं कि धर्म निजी आस्था का विषय है, किसी दूसरे के धर्म पर बिल्कुल भी अनावश्यक टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। और जैसा इंदुकांत जी ने भी बोली उस लाइन को कि एक बार या दो बार हो सकता है आपका व्यक्तिगत बयान हो या कभी आप हवावेश में या कभी बोल गए आप, लेकिन अगर एक सीरीज आ रही बयानों की, आप लगातार एक श्रृंखला में लगातार बयान दे रहे हैं तो ये व्यक्तिगत नहीं होना हो सकता है। पार्टी को इस पर बात करनी चाहिए थी। अब पार्टी समाजवादी पार्टी की अपनी क्या रणनीति है, वो क्यों उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको प्रोन्नति भी मिल रही है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शायद, अब वो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर, राष्ट्रीय महासचिव हैं जी। इस तरह के बयानों से बिल्कुल है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान हटता है, सरकार को भी मौका मिल जाता है कि हम चलो अब ये तो उसके लिए तो एक बिल्कुल फ्री वो लाइन मिल जाती है कि चलो अब ये वाला मुद्दा ठीक है, शिक्षा पर बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पर बात नहीं होगी, बिजली पर बात नहीं होगी, सड़क पर बात नहीं होगी, पानी पर बात नहीं होगी, रोजगार पर बात नहीं होगी, चलो धर्म धर्म खेलते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको उसके लिए तो आप एक तरह से थाली में सजा के दे रहे हैं उसको मुद्दे, उसके लिए तो एक चाहिए ही कि उनके लिए तो है कि आप आज जो बेरोजगारों की स्थिति है, 68 भर्ती में नियुक्ति के लिए जो बेरोजगार युवा हैं वो पिछले एक महीने से ऐसी ठंड में धूप में बरसात में लगातार बैठे हुए हैं, नहीं लेकिन रमन सिंह जी बिल्कुल ठीक है, मुद्दे आपको उठाने चाहिए, आप विपक्ष में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के बयानों से सबसे ज्यादा आहत बीजेपी ही होती है तो ये गलत है। एक वर्ग विशेष के लिए इस तरह के बयान आते हैं और फिर उस वर्ग विशेष से जुड़े जो तमाम लोग होते हैं वो आहत होते हैं। आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि यदि आप ऐसे ऐसे किनारा करें कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है, मीडिया को एक मुद्दा मिल जाता है, तो केवल ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों का जनता पर कोई असर नहीं होता? प्रियंका जी, जो वास्तविक आस्तिक व्यक्ति है, जो वास्तविक व्यक्ति, जो वास्तविक धर्म को मानने वाला व्यक्ति, वो किसी वर्ग का हो, वो किसी भी धर्म के अपमान से कभी खुश नहीं होगा। मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, आस्तिक व्यक्ति हूं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई इस्लाम को बोले, कोई सिख धर्म के लिए बोले, कोई ईसाई धर्म के लिए बोले, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसी मेरी आस्था है, जैसे मेरी भगवान पर आस्था है, ऐसी उनकी भी अपनी आस्थाएं हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई वर्ग इससे खुश होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन बस वही है कि मूल मुद्दों से जरूर हम भटक जाते हैं। तो आप राजनीति ना करें, लेकिन खंडन तो करना चाहिए ना। कुलदीप जी क्या कहना है आपका? आप राजनीति ना करें, बिल्कुल ना करें,
लेकिन क्या फिर जबान बंद करके रखनी चाहिए, जिपलॉक कर लेना चाहिए? इस तरह के बयान कान से सुनने के बाद अपनी जबान को सी लेना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, मैं पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की जनता को आपके माध्यम से सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बात पहले भी दोहराई कि इसमें कोई डाउट नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तमगा लग रहा है वो सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी पार्टी के रूप में पूरे देश में जो है छाड़ी, और उसका इसे जो है असर भी देखने को मिल रहा। भाई कहीं ना कहीं हिंदुत्व की अगर भारतीय जनता पार्टी वाले बात कर रहे तो हिंदू इन्हें सिर माथे पर रख रहे हैं। और अभी आदरणीय जो मेरे से पहले प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि भाई अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, इनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जीती। रही बात, अगर आप इस तरीके की बयानबाजी कोई ना करे उसके लिए भाई आप कदम क्यों नहीं उठाते? मैं तो याद दिलाना चाह रहा, भारतीय जनता पार्टी वाले तो एक ऐसी सरकार चला रहे कि जो कानून बनाने में एक्सपर्ट है, और ये तो संसद में बगैर बहस कराई जो है कानून बना दें। इन्होंने तो किसानों के 3 काले कानून भी बगैर बहस के बना दिए थे। तो क्या आज देश में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जो ऐसे लोग धर्म के ऊपर बोले वो धर्मों का अपमान करने वाली बयानबाजी करे जिससे उनका? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कुलदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन 65 सालों में इससे पहले बन गया क्या कानून? नहीं 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 प्रियंका जी, सुनो ना बात, बना तो सका ये सरकार, मेरे से जवाब सुनो, ये बनाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये ऐसा कानून बना देंगे तो फिर हम और आप इस तरीके की डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, केवल धर्म का मुद्दा उठा के ये दूसरे सारे मुद्दों को दबाना चाह रहे। मैं फिर कह रहा, ये शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? अभी मेरे से पहले साथी ने भी कहा, ये युवाओं पे बात क्यों नहीं करते? तो फिर ये बात तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू होती है ना कुलदीप मलिक जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना तो किसी धर्म का अपमान किया है, ना किसी धर्म के लिए हमने अपमान शब्द कहे। भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म को बिल्कुल मानती है और हृदय से मानती है। हम राज्य की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये अन्य पार्टियां हैं कांग्रेस की जो गठबंधन की, ये हिंदू और मुस्लिम की हरदम बात करती है। जैसे अभी कुलदीप जी कह रहे थे, उससे पहले हमारे राज्य कह रहे थे, तो आप देखिए कि इन्होंने नहीं, उनका तो कहना है कि आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इस तरह का कुछ ले आते कि इस तरह के बयानों की कड़ी सजा हो और फिर इस तरह के बयानों पर राजनीति ना हो सके? आपने देखा होगा, बिल्कुल इन्होंने जो इस देश में जो कुछ थोप रखा था काले कानून, वही तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हर 370-375 किसने लगाया? कांग्रेस ने, हमने उसको खत्म किया। इसी तरह से ये मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो है ना, किस तरह से जो है ना चल रहा था 3 तलाक का, कि अगर दाल में नमक नहीं है तो तलाक 40 रोड पे भूखती थी, उसको किसने खत्म किया? हमने, इन्होंने दोनों ही कानून का विरोध किया था कि हटना नहीं चाहिए। इसी तरह से हमने अभी तक 2000 से अधिक कानूनों को बदला है, और इस कुलदीप जी जब आप सत्यता को भी बर्दाश्त करना ठीक है, थोड़ा आप सुनना ठीक है, आप बोलते हो मैं बिल्कुल सुनता हूँ, बड़े इंतजार से आप 2500 से ज्यादा ऐसे कानून आपकी सरकार कांग्रेस के बनाए हुए थे कि जो सिवाय आम जनता को देश को परेशान करते थे उसका कोई लाभ नहीं था, आज वो हमने सारे खत्म कर दिए हैं। आज अगर किसी का काम है, किसी की फाइल है, एक टेबल पे एक दिन से ज्यादा रुक नहीं सकती है, आपके टाइम वो फाइल का ही पता नहीं चलता था कहीं कहाँ, तो वही कानून तो खत्म कर रहे हैं। और आप ये कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए, बहुत जल्दी आपके सामने ऐसा कानून होगा कि देश के खिलाफ कोई जो है ना सड़क नहीं को रच पाएगा, कोई देश के संविधान को गाली नहीं दे पाएगा। कुछ तो हमने लागू कर दिए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, देश का हम सुधार कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपने जो 65 साल के शासन काल में जितने गड्ढे खोदे हिंदुस्तान को, जिस तरह से जाति धर्म पंथ मजहब में बांटा है, हम उन सबको एक करने जा रहे हैं। डॉक्टर इंदुकांत जी, 10 सेकंड आप लीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जो लोग भी देश हित की बात करें, वो ऐसे नेताओं को अपने पार्टी से तुरंत बाहर निकालना चाहिए, उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे देश में इस तरह के धार्मिक उन्माद और विद्वेष वाली बातें ना हो सके। और जो भी नेता इस ढंग की बातें करते हैं, जनता को भी उन्हें कभी भी
चुनाव के मैदान में जीत कर नहीं जाने देना चाहिए। आपके सामने उदाहरण है राजभर जी का उत्तर प्रदेश में, कैसे वो कहते थे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लौट करके कहते हैं ना कि बुद्धू घर को आए, फिर पहुंच गए भाजपा के सहयोग में करने के लिए कि हमको ले लीजिए साथ में, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्या के ही बोल बोल रहे थे। ठीक है। और सभी पार्टियों को इस पर नियंत्रण के लिए सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि देखिए केवल हिंदू धर्म को इस तरह से टारगेट करने का, सनातन धर्म को टारगेट करने का एक रिवाज है। तो जनता को भी यहाँ पर जरूर सोचना चाहिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कुलदीप मलिक जी, रमन जी और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से लगातार बयानों के द्वारा जहर उगलने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को आहत करने की कोशिश की जाती है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पार्टी के द्वारा इस पर कोई कदम उठाया जाता है या फिर आने वाले समय में जनता ही इन बयानों का रिजल्ट या नतीजा पार्टी के साथ ही साथ चुनावी मैंडेट के साथ देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।